आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीटेक कोर्स के बारे में। बीटेक 12th के बाद किया जाने वाला एक बहुत ही फेमस कोर्स है। इस वीडियो में हम जानेंगे बीटेक क्या होता है, बीटेक कौन कर सकता है, बीटेक करने के लिए आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ बीटेक कोर्स की फीस कितनी होती है, और उसके बाद हम अंत में जानेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट बीटेक का कोर्स कर लेता है तो उसे कैसी जॉब मिलेगी और उसको सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुष और रीना पे स्वागत है। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बीटेक क्या है, व्हाट इज बीटेक। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बनेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, और जो भी दोस्त जो भी स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं उन्हें बीटेक की पढ़ाई करनी पड़ती है। बीटेक एक टेक्निकल कोर्स है या एक यूजी कोर्स है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। यह कोर्स 4 साल का होता है जिसे आप 12th के बाद कर सकते हैं। बीटेक करने के लिए जो सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट होती है वो IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि अगर किसी को बीटेक करना है तो उसे कौन कर सकता है, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, किस तरीके से उसका बीटेक के कोर्स में एडमिशन होगा। दोस्तों, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं यानी कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि क्लास 10th के बाद आपने साइंस स्ट्रीम ली हो। साइंस स्ट्रीम में भी 2 ग्रुप होते हैं, एक मैथ्स ग्रुप होता है, एक बायो ग्रुप होता है। तो अगर आपको बीटेक करना है तो आपका मैथ्स ग्रुप होना जरूरी है, यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए 12th क्लास में। और जब आप 12th क्लास पास कर लोगे उसके बाद बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, IIT का एंट्रेंस एग्जाम होता है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है। तो आप जिसमें भी बीटेक करना चाहते हो आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया तो आपको उसमें एडमिशन हो जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि 12th में कितने परसेंट होने चाहिए मिनिमम अगर उनको बीटेक का कोर्स करना है। तो देखो, अगर आपको IIT वगैरह करना है तो आपके तो परसेंटेज थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिसमें अगर आपका 12th में सिर्फ 45% भी है तब भी आप उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो आपका उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि अगर किसी को बीटेक करना है तो उसको कितनी फीस देनी होगी। देखो, जैसे कि आपको पता है कि ये एक इंजीनियरिंग कोर्स है यानी कि एक टेक्निकल कोर्स है, तो इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। नॉर्मल जो ग्रेजुएशन वाले कोर्स होते हैं, जो डिग्री कोर्स होते हैं, जैसे कि BA, BCom, BSc, इन सब की फ़ीस थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर किसी को बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, कुछ कॉलेज में थोड़ी कम होती है, कुछ कॉलेज में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर आपको IIT करना है तो उसकी फ़ीस आपको बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम 1 साल के फ़ीस की बात करें तो IIT के 1 साल की फ़ीस समझिए कि 2 से 2.5 लाख रुपये हो जाती है, और अगर हम पूरे कोर्स की बात करें तो 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख के करीब आपकी पूरी फ़ीस हो जाती है, अगर आपने IIT से बीटेक किया है तो। लेकिन दोस्तों, IIT से बीटेक करने का मतलब कि आपकी पूरी तरीके से लाइफ सेट हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ये तो बात होगी IIT के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां से आप बीटेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट IIT से करें, सबका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर आपने IIT से बीटेक नहीं किया तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने छोटे छोटे कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है लेकिन आज बहुत अच्छे मुकाम पे है। तो डिपेंड करते पूरी तरीके से आपने क्या सीखा है, आपकी स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे, सब कुछ डिपेंड करता है। अगर मैं दूसरे कॉलेज की फ़ीस की बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बात करूँ, तो जो एक एवरेज जो फीस होती है, मान लो कि 1 साल की, वो आपकी 25 से 30 हज़ार रुपये होती है 1 साल की। थोड़ी ज़्यादा ही हो सकती है, इससे कम तो होने की चांस ही नहीं है। तो 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये 1 साल की फ़ीस हो जाएगी आपकी, और उसी अकॉर्डिंग ये 4 साल का कोर्स होता है, तो आपको समझ जाओ कि 1.5 से 2 लाख से 3 लाख रुपये पूरी तरीके से हॉस्टल वगैरह का मिस फीस वगैरह लेके आपको खर्च पड़ जाएगा, एक समझ जाओ कि नॉर्मल से कॉलेज में। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो उसकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा होती है, 25 से 30 लाख रुपए हो जाएगी आपके पूरे 4 साल का अगर कोर्स को मिला दिया जाए तो। तो दोस्तों, आपको तो अब समझ में आ ही गया होगा कि जो बीटेक की फ़ीस है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है कॉलेज के ऊपर, कि कौन सा कॉलेज है, किस तरीके का कॉलेज है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने बीटेक कर लिया तो आपको कैसी जॉब मिलेगी, क्या सैलरी होगी आपकी। तो दोस्तों, अगर हम जॉब की बात करें तो आजकल जॉब पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, लेकिन आपको घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छी तरीके से की है तब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी।
बस शर्त यह है कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की हो। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी तो आपको बहुत कुछ नॉलेज होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और किसी कंपनी को क्या चाहिए, यही चाहिए कि वो जिसे भी रिक्रूट करे, जिसे भी हायर करे, वो उसके पास नॉलेज हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो। तो दोस्तों अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो आपकी जो नॉर्मल सैलरी होगी, एक नॉर्मल सी कंपनी में बता रहा हूँ, वो स्टार्टिंग में 15,000 से 20,000 रुपये होगी, एकदम नॉर्मल सी, एकदम स्टार्टिंग सैलरी। और अगर किसी ने IIT से बीटेक किया तो उसकी तो बातें ही अलग है, उसकी तो सैलरी 1,00,000 रुपये के करीब हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ एकदम नॉर्मल से कॉलेज से बीटेक करने के बाद, अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो जो आपकी सैलरी होगी वो 15,000 से 20,000 रुपये स्टार्टिंग में होगी। उसके बाद आपके काम के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर आपकी सैलरी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में कुछ महीने तक काम करने के बाद लोग दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, वहां पे अपना एक्सपीरियंस दिखाते तो उन्हें और ज्यादा अच्छी वहां पे सैलरी मिलने लग। मुझे उम्मीद है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी बीटेक के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताई। उसके अलावा कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके अलावा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पर बहुत सारी वीडियोज है IIT से रिलेटेड, आप वो प्लेलिस्ट जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।